बिहार के गोपालगंज में एक बार फिर से बाढ़ का कहर जारी है। गोपालगंज के कुछ इलाकों की अगर बात करें तो इस वक्त जागीरी टोला पंचायत के जगह जगह बाढ़ का पानी का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके वजह से लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि जागीरी टोला में एक शादी होने वाली थी, लेकिन बाढ़ के कारण लोग मंदिर में शादी करने पर मजबूर हो गए हैं और तकरीबन 100 से ऊपर गांव इस वक्त डूबने के कंगार पर है। और फिर प्रशासन सारण तटबंध पर बाढ़ का दबाव कम करने के लिए अप्रोच पथ पर काटना पड़ेगा। यह सब कुछ गोपालगंज के लिए हर साल होता है। हमारे ख्याल से गोपालगंज के लिए यह सब कुछ नई खबर नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि हर साल आने वाले महापर्व छठ जैसे सभी को पता होता है कि इस साल दिसंबर महीने में छठ पूजा आएगा, ठीक वैसा ही सबको पता हो जाता है कि इस साल जून के महीने में गोपालगंज फिर से बाढ़ में डूबेगा। ये बातें सरकार को भी मालूम रहता है, लेकिन यह विडम्बना देखिए कि सरकार चाहती है कि गोपालगंज के 100 से अधिक गांव डूब जाएगा, तब हम चिवड़ा मीठा भेजेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपको सरकार कितना चिंता रखती है। हमारे बिहार में बाढ़ को सोना का मुर्गी भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगा और हर साल लूट खसोट होगा। बहरहाल, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले हर एक छोटी बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।